Hello everyone, I am Vijaya Tiwari and I welcome you all in yet another segment of E-Times TV Instagram Live Chat. और आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, टुडे वी विल बी हैविंग माहिरा शर्मा. सो सब्र रखिए, बी पेशेंट एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू माहिरा. So I'm connecting with Mahira. She will be here anytime soon. So all you fans, jaldi jaldi apne comment section mein jaiye. Aur Mahira is here. Hi Mahira. Hello. Hello. How are you doing? Good. Good. You? मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आप बताइए कैसा गुजर रहा है ये lockdown का period? मस्त एकदम. घर पे आराम हो रहा है. बहुत ज़्यादा. और क्या क्या चीजें कर रही है अपने आप को बिजी रखने के लिए? एनीथिंग न्यू दैट यू हैव टेकन अप? एनी न्यू हैबिट? न्यू हैबिट ऐसा कुछ खास नहीं. सो रही हूँ, अपनी कैट्स के साथ मीटिंग करती हूँ, उनको तंग करती हूँ. ये मेरा मिशन है. ये क्वारंटीन मेरे से ज्यादा, बाकी लोगों से ज्यादा मेरी कैट के लिए बहुत ही, मतलब वो होता है ना दुविधा वाला कि जल्दी खत्म हो रही है हमारी जान छोड़े. ओके. हाँ, हम जैसे वीडियोस और फोटोज देखते रहते हैं, यो फॉन्ड ऑफ कैट्स, तो वो दिखता है कि वो पिक्चर्स में आसपास घूम रही होती है. यस. सो मायरा, आप लोगों के लिए, जितने खासकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं, उनके लिए तो एक दूसरा बिग बॉस शुरू हो गया है, क्योंकि आप लोग वहां से निकले, थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया एंड अगेन यू आर लॉक्ड डाउन इनसाइड द हाउस. सो पहला एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 4-5 महीने आप बिग बॉस में रहके आए हो, उसके बाद थोड़ा वक्त मिला, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया अंदर, लोगों का रिस्पांस क्या है. और एक होता है ना, और मैं वैसे इंसान हूँ कि जिसको घर बैठने की आदत नहीं है, मैं काम पे नहीं रहती, तो वहाँ पर रहने के बाद अब एवरी डे हम कुछ ना कुछ करते थे, टास्क आते थे, कोई चीज़ें आती थी, बट अब सीधा सा रास्ता बंद हो गया है, तो बहुत पैनिक सा लग रहा है, लेकिन रहना पड़ेगा. रहना पड़ेगा, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. मायरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा कैमरा ऊपर ले ले, बिकॉज़ वी कांट, वी आर नॉट एबल टू सी योर एंटायर फेस राइट नाउ. थोड़ा सा और ऊपर नाउ. या इट्स फाइन, बेटर. सो हाँ, फिर से कट रहा है, यू नो, आपका फोरहेड कट रहा है पूरा, बिकॉज मेरा फोन मेरे हाथ में पकड़ा है, कोई जगह नहीं रखने के लिए, इट्स सो डिफिकल्ट. ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनके साथ हम टच में? हमने एक बिग बॉस की पार्टी होती हुई तो देखी थी, जो शिफाली ने थ्रो की थी, और आप सब लोग उसमें बहुत खुश नजर आ रहे थे. सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट. वो तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब इतना टाइम घर पे रहने के बाद सडनली बाहर आकर सब लोग मिले थे, जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे वो तो घर के अंदर ही थे, तो बाहर आके वो सब मिले तो अच्छा लगा, और हमें पता नहीं था कि वो आज एंजॉय कर लो, क्योंकि उसके बाद अब लॉकडाउन होने वाला है, तो काफी अच्छा था. तो कांटेक्ट में तो मैं मैक्सिमम सबके साथ ही हूँ, लेकिन अभी बात नहीं हो पाती, लेकिन हाय हेलो हो गया सबसे. बहुत सारे पिक्चर्स हमने देखे थे, इनफैक्ट हिंदुस्तानी भाव भी थे वो पार्टी में, तो कितना धमाल किया आपने उस पार्टी में आप लोगों ने. बहुत बहुत बहुत, 4-5 महीने की कसर एक ही बार निकाल दी. हमने सुना शिफाली से कि आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो किस तरीके की बातें होती हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स का? ग्रुप है वहाँ पर, वो फॉरवर्ड वो होते हैं ना फनी वीडियोस, वो आते हैं, कुछ चैट नहीं करता उस पर, मैं तो मतलब मैं थोड़ी कम एक्टिव हूँ, उस पर जाती नहीं हूँ, लेकिन वीडियोस आते रहते हैं फनी उस पर, और कोई बातचीत नहीं होती. अभी लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन हम देखते रहते हैं कि आप इंस्टाग्राम में काफी अपडेटेड हैं, और किस तरीके से आप बार बार लूडो में पारस को हरा रही हैं, तो तय कर लिया नेशनल लेवल चैंपियन बनने का. हाँ, लूडो में वो हर बार गेम रद्द करता था शो के अंदर, इस बार हाँ. जब मैं उससे हारती हूँ तो मैं फटाफट गेम बैक कर देती हूँ, दोबारा से शुरू करती हूँ, मैं नहीं हारूंगी, मुझे हराऊंगी, रद्द नहीं करने देती. ओके, मायरा, आपकी और पारस की बॉन्डिंग
कहते हैं ऐसा कि बिग बॉस के घर में जो दोस्तियां बनती हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, लेकिन आप जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो आगे भी उन चीजों को, ऐसे मिथ्स को, ऐसे रॉन्ग अजम्पशंस को तोड़ते हैं। आप और पारस अभी भी दोस्त हैं, और काफी समय आप लोग जब लॉकडाउन के बीच में भी, जब भी वो घर से बाहर आते थे लॉकडाउन के पहले, तो आप दोनों काफी मिलते थे और टाइम स्पेंड करते थे, आरती भी दिखी थी हमें साथ में। तो ये कह सकते हैं कि आप दोनों की दोस्ती जेन्युइन है और वो जेन्युइन नेस आप बाहर भी दिखा रहे हैं। वो मैं बोलूंगी नहीं है या नहीं, वो हमारे रिश्ते से ही लोगों को पता चलता है दैट दे आर लॉयल, और दोस्ती का मतलब इतिहास रचा है हमने और ये जिंदगी भर रही। वैसे भी मैं बहुत कम लोगों से कनेक्ट करती हूँ, और अगर किसी को दोस्त बना लिया या आगे फिर मेरी लाइफ में, तो फिर मैं रहती हूँ जिंदगी भर, तो वो रहेगा, वो हमेशा रहेंगे साथ में। मायरा, आप लोगों की दोस्ती पे घर के अंदर से सवाल उठते आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बॉन्डिंग केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि लोगों को लगता था कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी भी लोग, काफी लोग सोचते हैं कि यू नो दे आर अ कपल, कभी उस वजह से आप लोगों की दोस्ती पे कोई असर पड़ता है, कभी रूमर्स ऐसे अफेक्ट करते हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें लोगों ने कही है, बहुत सारी चीजें सुनी है, देखी है, तो मैं तो यही मानती हूँ, लोग तो कहेंगे, लोगों को काम है कहना। अच्छी बुरी दोनों बात करते हैं, करते रहो, फर्क नहीं पड़ता। और अब आपकी अम्मी क्या कहती हैं? मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, मेरे से ज्यादा मेरी मॉम की बनती है पारस, तो वो मैं इतना फोन नहीं करती उसको जितना मम्मी उससे गप्पे मारती रहती है फोन करके, ये हुआ और बताओ क्या चल रहा है। अच्छा, और ये सेम कहीं ना कहीं मेरी लास्ट टाइम पारस से बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि आपकी बॉन्डिंग अब पारस की मॉम के साथ बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, बहुत। तो कैसा रहा उनके साथ मिलना? हमने फोटोग्राफ्स भी देखे थे, आप उनके घर गई थी, आप मिली थी उनको। हाँ, वो बहुत अच्छी है, मतलब वो बड़ी कूल है, मेरे टाइप की है, मतलब एक होता है ना नेचर, उनका नेचर बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। मायरा, अभी आप लोग बीच में मैंने देखा था कि आपने बहुत यू नो स्ट्रांगली आके अपना व्यू पॉइंट रखा था, जब आप लोग एक लॉकडाउन के ऐसे सीरियस माहौल में आप लोग एक तरह का रिस्क लेके बाहर निकले थे और लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ लोग उस चीज का मजाक बना रहे थे और बोल रहे थे कि चैरिटी कर रहे हो तो दिखाओ मत, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मायरा। मुझे भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक है? अब ठीक है? मुझे आ रही है पर थोड़ी कम आ रही है। ओके, कैन यू हियर मी नाउ बेटर? या यो बेटर, ऐसे ही बात करना पड़ेगा। या सो अब आपकी आवाज क्लियर है, बोलिए। ठीक है, मैं बुलंद आवाज में बोलती हूं। वैसे भी आपकी आवाज बुलंद है हमेशा से, बिग बॉस के घर से। नहीं, लेकिन बहुत कम कंटेस्टेंट्स थे जो घर में अपना व्यू पॉइंट रखते थे, एंड यू वर वन ऑफ देम, सो यू नो दैट्स अ गुड थिंग। थैंक यू। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? चैरिटी वाले। ओके, या तो दिखाने का मोटिव ये नहीं होता है कि देखो हम कुछ कर रहे हैं, और ये मेरी आदत अभी से नहीं है, ये बिग बॉस से पहले से मैं करती, तब कुछ लोग जानते थे, तो इतने लोग नहीं जानते थे, तो इतनी बड़ी बातें नहीं बनती। ये एक मैसेज होता है लोगों के लिए कि अब कुछ बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने इतने पैसे दिए, वो खुद नहीं बताया, चलो ठीक है, तो वो चीज बाहर कैसे आई? उन्होंने इतनी पेमेंट दी है, अब उन्होंने दी है तो उनको देख के दूसरे सेलिब्रिटीज भी करेंगे, या फिर कोई इंसान जो कर सकता है वो भी करेगा कि अगर उन्होंने दी है तो हम भी देंगे। हाँ, चीजें बाहर कैसे आई, हमने तो इतना अच्छा दिया, बट वो देने का और दिखाने का ये कि आप भी दो। देखिए, मेरे नीचे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, लोग ऐसे, आंटी अगर कहीं नीचे ग्रोसरी खरीदने जाओ, औरतें ऐसे साड़ी में ऐसे रो रही होती है, पैसे मांग रही होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं पारस करते, तो बिना ये चीज किए भी हमने दिए दिखाने के लिए कि हमने इतना किसी ने किया, बाकी आप लोग के पास आप लोगों ने किया, तो अब लोग बहुत
वैसे भी थोड़ा बहुत है कि लोग कर रहे हैं अभी, मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। सनी 1962 में से काम कर रहे हैं, अब कुछ करियर खत्म हो चुका है, कोई पूछता ही नहीं हमको, चलो पब्लिसिटी के लिए बांटते हैं तो हम न्यूज में आएंगे। राइट। नहीं, जब मैंने पारस से भी बात की थी वो भी यही कह रहे थे कि यू नो मैं तो 7-8 महीने से टीवी पे दिख रहा हूँ, हम लोग 7-8 महीने से टीवी पे दिख रहे हैं अभी भी, और तब रीरन भी चल रहा था, बोले अभी भी रीरन के जरिए हम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। और वी वर जस्ट ट्राइंग टू इंस्पायर पीपल, जो हमारे जैसे अच्छे घर को बिलोंग करते हैं लोग, वो जाकर अपने घर से बाहर निकले और गरीबों की मदद करे, नीडी पीपल के लिए यू नो आए सामने। मायरा, आपके लिए ढेर सारे फैंस के क्वेश्चंस आए हैं, तो हम जरा वो भी देख लेते हैं कि फैंस क्या क्या आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वील टेक क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, माहिरा हैज बीन पार्ट ऑफ सम ऑफ रियली वेल नोन सीरियल्स ऑफ टीवी, हाउ डिड शी गेट अ चांस टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट सो अर्ली इन हर करियर, द लिटिल बॉडी wants to know. Mahira has been part of some of really well known serials of TV. How did she get a chance to work on this project so early in her career? The little body handle hai jinhone aapke liye ek question bheja. To ye thodi lambi story hai lekin main short mein sunaun. To mujhe acting ka shauk bachpan se tha. Fir main Mumbai se aayi tab main choti thi, 14 years ki. तो मेरी मॉम ने बोला आपको करना है तो आप कर सकते हो, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता था नहीं मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना, मुझे कुछ और करना। फिर सडनली मतलब 2016 में मैंने ऐसी 2-3 ऑडिशन दिए थे, तो एक ही ऑडिशन में मैंने 2-3 लाइनें बोली और उसमें मुझे फाइनल कर लिया, तो वो मेरा पहला शो था। फिर उसके बाद वो शो मैंने किया, फिर उसके बाद मुझे नागिन, कुंटी भाग्य, बेपनाह प्यार, ये तीनों ऑफर। उसके बाद एक म्यूजिक वीडियो मिला, वो हिट गया, फिर पंजाब में काफी सारे म्यूजिक वीडियो, तो फिर बिग बॉस जी। आपके काफी सारे सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर रहे हैं, तो जब आप कहीं जाते हो तो किस तरीके का रिएक्शन मिलता है आपको, क्योंकि आजकल यूथ म्यूजिक एल्बम्स देखना बहुत पसंद करते हैं, तो क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है आपको? मुझे मतलब पंजाब में तो काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि वो वहां पर तो काफी यू नो पंजाबी सॉन्ग काफी हिट होते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में मतलब मैं बिना मास्क लगाए तब नहीं जा सकती थी जब मेरे सॉन्ग्स आए थे, तो अब तो अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद है। इनफैक्ट लहंगा इतना हिट गया और बारिश भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो अच्छा लगता है कि आप बारिश करते हो तो अच्छा। या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, और बारिश में आपने पारस के साथ काम किया, आप लोगों ने पहली बार मतलब बेसिकली आप लोग साथ में तो दिख रहे थे बिग बॉस के घर में, लेकिन वहाँ एज कंटेस्टेंट्स थे, रियल सेल्फ थे, पारस और माहिरा थे, बट यहाँ पे आप कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे और एक स्टोरी थी, प्रॉपर लव स्टोरी थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी, तो कितना मजा आया वो शूट करते टाइम? बहुत ज्यादा, हम तो फन में सारा शूट किया और जल्दी जल्दी खत्म कर लिया। मैक्सिमम एक दो सीन थे वो हमारी तरह ही थे, लेकिन रोना थोड़ा डिफिकल्ट और था मुझे उसके सामने, पर काफी अच्छा था। ही इज वेरी गुड एक्टर, मतलब मुझे पता नहीं था कि वो इतना अच्छा एक्टर है, जब मैंने उसकी एक्टिंग देखी ना लाइक, क्योंकि मुझे शक्ल से ज्यादा एक्टिंग पसंद है लोगों को, तो ही इज वेरी गुड परफॉर्मर। राइट। और कितनी कोई बिहाइंड द सीन गॉसिप है, क्योंकि आपको इतने इमोशनल सीन्स करने थे, तो क्या वो ठीक से हो पा रहा था या पारस बार बार आपको हंसाने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ उल्टा हुआ था, वो ठीक से कर रहा था और मैं हंस रही थी, तो वो मुझे बोल रहा था रोते रोते चुप कर सीन्स चल रहा है, ओके मुझे हंसी आ रही है, उसके सामने मुझे हंसी आ रही थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू You and Paras Chhabra still have those cute fights like you used to in BB? Roz. अभी कैसे कनेक्ट करते हो, क्योंकि वहां पे तो एक पारस कहते कि उनकी उनको कहीं ना कहीं आपकी आदत लग चुकी थी, क्योंकि वो आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करते थे, अब लॉकडाउन की वजह से मिलना नहीं होता होगा, तो कैसे टाइम स्पेंड करते हो आप लोग, कैसे कनेक्ट करते हो?
ये वीडियो कॉल या फिर कॉल पे या तो लूडो पे उसको हराने का मजा ही अलग है। यहाँ से कनेक्ट रहते हैं। कितना स्पोर्टिंगली लेते हैं वो हारने के बाद या चिढ़ जाते हैं? मैं चिढ़ जाती हूँ, इसीलिए मैं गेम रद्द करके नई गेम शुरू करती हूँ। तो वो नहीं चिढ़ता। ओके, हाउ हैज योर रिलेशनशिप इन्वॉल्व पारस के साथ, जो आपकी फ्रेंडशिप है वो घर के बाहर आने के बाद और कैसे इवॉल्व हुई है? हुई है, काफी अच्छी हुई है। पहले तक आप घर के अंदर होते, आपको पता नहीं होता कि ये दोस्ती जो है वो क्या बाहर भी रहेगी, क्योंकि घर के अंदर की चीजें बहुत अलग होती है, तो बाहर आके तो वो और भी बेटर हो गया। काफी लोगों के लिए लेकिन बाहर आने के बाद काफी प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्योंकि उनकी दोस्ती टिक नहीं पाती। कभी आप लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है? मेरा ऐसा है कि अगर किसी इंसान के साथ मेरी बनेगी तो वो उसी टाइम पे बनेगी और वो जिंदगी भर बनेगी, और अगर किसी इंसान के साथ नहीं बनेगी तो बन के टूट जाएगी वहीं पे, फिर आगे नहीं। सो ऐसा अगर वो स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ था तो इसका मतलब है कि वो अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, is she going to enter Bollywood? How many movies offer she has right now? Biplab 55 wants to know. अभी नहीं, मैं लॉकडाउन के बाद जल्दी बताऊंगी। अच्छा, ऐसे न्यूज भी आई थी मायरा कि आप और पारस, आप दोनों ने एक पंजाबी मूवी साइन की है, तो जिसमें आप लोगों ने हाँ भी बोला था, तो हाउ, मतलब हाउ इज दैट गोइंग? हाँ बोला है क्योंकि हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगी है, लेकिन अभी हमें दो तीन और अच्छे, मतलब इस दौरान ऑफर आ चुके हैं, तो जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम देखेंगे कि ये बेटर है या वो, तो फिर हम बता देंगे क्या करें। बट हाँ, ओके, वो भी अच्छी स्क्रिप्ट है। ओके ओके, आस्क हर टू शेयर अ फनीएस्ट मेमोरी ऑफ हर चाइल्डहुड इन हर स्कूल, माहिरा शर्मा की फैन। बहुत फनी है। मैं अपने स्कूल में बच्चों के ना नोटबुक्स पे साइन करती थी कि तुम लोग रख लो इसको, क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तुम लोग मेरे पीछे पीछे भागोगे, तो मैं ऑटोग्राफ नहीं दूंगी। और बच्चों को ऐसे बिठा के नीचे ऊपर सीढ़ियों से आती थी कि जब मैं आऊंगी तुम लोग कहना ओह माय गॉड माहिरा शर्मा, माहिरा शर्मा, तो मैं ऐसे ऐसे आऊंगी। तो ये मैंने बहुत किया हुआ बचपन से, मेरी एक्ट्रेस बनने की जो मतलब क्लासेस होती है ना, मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। करीना को देखती हूँ, ओके ठीक है फाइन। हाँ, आपने करीना के लिए काफी बार अपना प्यार इजहार किया। हमने एक वीडियो भी देखा था जहाँ पर आपने बोला कि मेरे बिग बॉस का सारा पैसा ले लो अब तक का जितना भी है, लेकिन एक बार करीना को बिग बॉस के घर में ला दो। तो ये दीवानगी क्या है, कब से आप उनको इतना प्यार करती है? मैं बचपन से, जब उनकी पहली फिल्म देखी, मैं बहुत छोटी थी, रिफ्यूजी, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पता नहीं होता था उस टाइम पे फिल्म एंड ऑल क्या होती है, मैं बहुत छोटी थी। मैंने सोचा था मैं ये करूंगी जो ये कर रही है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तब से लेकर अब तक मुझे अगर उनकी कोई चीज हिट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी चीज है। अगर कोई चीज ऐसे वैसी जाती तो मुझे हर्ट होता है उस चीज से। सो मैं वो समझती हूँ कि मैं अपने आप को ही समझती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, मेरे लिए मेरी गॉड है। कौन सी फिल्म आपको उनकी बहुत पसंद है सबसे ज्यादा, जो आपने पता नहीं अनगिनत बार देखी होगी? वैसे तो सब है, लेकिन रिफ्यूजी, मुझसे दोस्ती करोगी, और जब भी मैं तो देखी है ऑब्वियसली। और जब भी मैं कितनी बार देखी है? जब भी मैं, मैंने बहुत बार देखी है, लेकिन मुझे उनकी बाकी फिल्में ज्यादा पसंद, क्योंकि जब भी मैं हर किसी को पसंद है, तो इसलिए जो सबको पसंद होता है वो मुझे इतना पसंद नहीं आता। राइट, वो बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन मुझसे दोस्ती करोगी ज्यादा, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थिंग यू आर मिसिंग द मोस्ट इन लॉकडाउन, ड्रीम बॉय सौरभ, सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हो लॉकडाउन में? वैसे तो काम करना भी मिस कर रही हूँ, बाहर जाना, और मुझे पारस नहीं मिल रहा चांटे लगाने तो उसके बदले मुझे अपनी बिल्ली को मारना पड़ता।
माहिरा'स फेवरेट पंजाबी सिंगर, शी हैज वर्क्ड विद सो मेनी, ऑफिशियल माहिरा शर्मा अंडरस्कोर, आपका फेवरेट पंजाबी सिंगर, पंजाबी सिंगर। वैसे तो सभी अच्छे हैं लेकिन मुझे एमी विक और कौन भी सिंगर, बस मतलब सब अच्छे लेकिन मुझे वो ज्यादा अच्छे। Myra, moving on from fans question, अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरे लिए तो you come across as a very strong girl, क्योंकि हमने काफी बार देखा है कि आपकी जितनी फैन फॉलोइंग है, जितने लवर्स हैं, हेटर्स भी हैं, और वो काफी बार बिना कुछ किए भी अननेसेसरी आपको ट्रोल करते हैं, टारगेट करते हैं। How do you deal with such thing? क्योंकि हमने बिग बॉस में देखा है कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी इन चीजों को लेकर, छोटी छोटी बातें आपको इमोशनल कर देती थी, बट यहाँ पे आपको क्या लगता है जब लोग अननेसेसरी बिना मतलब के आप कुछ अच्छा भी करें, आप लाइव आ जाएं या कुछ भी करें तो लोग ट्रोल करने लग जाते हैं, वो भी कुछ सेक्शन, लेकिन हाँ लवर्स भी उतने हैं वो जो हार्ट्स बता रहे हैं, इतने सारे हार्ट्स आ रहे हैं, तो हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशन? मेरे को अच्छा लगता है सच कहूँ, क्योंकि मेरे जो फैंस हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बस चले ना मैं सबसे एक एक करके मिलके हग करूं, पर वो कर नहीं सकते। पर हेटर्स में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और हम कोई चीज करते हैं तो वो लोगों का अटेंशन चाहिए होता है हमको, तो हेटर्स फुल अटेंशन देते हैं मुझे, तो मेरे लवर्स तो दे ही रहे हैं, वो भी मुझे देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। चाहे क्या मुझे ना किसी एक इंसान ने ऐसा कहा था जो बहुत ही बड़े इंसान है, मैं नाम नहीं ले सकती, पर उन्होंने मुझे कहा था बेटा कोई भी काम करोगे ना जिंदगी जब तक लोग बुराई नहीं करोगे ना तो समझना आपने वो काम अच्छे से नहीं, दोबारा करो वो काम, लोगों की बुराई दो क्योंकि लोगों के आंखों में वही छुपते हैं जो ज्यादा चमक, तो चमकना और चुभना बहुत जरूरी है, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, मेरे को जो भी मैंने किया जो ऑडियंस तक वो पहुंचा सबने प्यार किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कर रही हूँ अपने करियर में अच्छा, कि अब मैं उस मुकाम तक पहुंच रही हूँ कि लोग मेरी बात कर रहे हैं, चाहे अच्छी कर रहे हैं चाहे बुरी, बस बात कर रहे हैं। और वैसे मेरे आइडल्स के साथ भी हुआ है, बचपन में जब मैं छोटी थी मेरे आइडल्स की भी बुराई करती थी, कुछ अच्छाई करती कुछ बुराई करती थी, बट दे आर समथिंग, उनको फर्क नहीं पड़ता, बस बात करो अच्छी करो या बुरी। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया और आई होप जो लोग जो हेटर्स देख रहे होंगे इस वक्त वो समझ गए होंगे कि यू लव हर और हेट हर यू कांट इग्नोर। मुझे अटेंशन दे रही है फुल, चाहे अपना कीमती वक्त जो कहीं और पे देना चाहिए वो यहाँ आते हैं माहिरा को देखते हैं और कुछ बोलते हैं फिर चले जाते हैं, बट देख रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। राइट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मैनेज टू स्टे फिट? रत्निका वांट्स टू नो। वैसे तो मैं वर्कआउट कर रही हूँ लेकिन मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मैं कुछ भी खाती हूँ, आई लव बटर, आई लव मलाई, आई लव घी, तो मैं सब कुछ खाती हूँ, बट वर्कआउट करती हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन इन दिनों में मैं नहीं कर रही हूँ, फिर भी मेरे है ऐसा कि मुझे वेट पुट डाउन ज़्यादा नहीं होता है, तो बट वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन डाइटिंग शाइटिंग मुझे मैं बिलीव नहीं करती उसमें, तो खाओ लेकिन वर्कआउट करो बहुत जरूरी है। ओके, आतिका शेख सेज प्लीज मेक मोर टिकटॉक वीडियोस विद योर कैट्स। पता है मुझे ना सच कहूं तो टिकटॉक चलाने का ना इतना सा भी मन नहीं था, मुझे सोशल मीडिया इतना बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं जबरदस्ती आती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है तेरे फैंस मैसेज करते हैं तुम लाइव क्यों नहीं जाते, तुम वीडियोस क्यों नहीं बनाते, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे मुझे पसंद करते, जैसे मैं वेट करती हूँ करीना की पोस्ट का, वो भी करते होंगे, सो इसीलिए अब मैंने बनाना शुरू किया टिकटॉक सिर्फ अपने फैंस के लिए, दिल पे पत्थर रख के
बट दे आर हैप्पी और उनको अच्छा भी लग रहा है, इसीलिए ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपके लिए. मायरा, आप टीवी इंडस्ट्री को, आपका कोई भी और बिलोंग नहीं करता फैमिली से, सो अब तक आपने जो भी किया होगा वो अपने दम पर किया होगा. यू हैव मेड योर प्लेस. तो जब आपका करियर स्टार्ट हुआ, व्हाट वर द स्ट्रगल्स, डिफिकल्टीज यू फेस्ड, और आपने कैसे अपनी जगह बनाई यहाँ तक, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. स्ट्रगल तो खैर बहुत हो, हर चीज में बहुत हो, दर्द मैं मुझे नहीं पता, बट मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ कभी कभी कि मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया कभी कोई भी काम के लिए. मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा, चाहे मेरे नोन एक्टर्स फ्रेंड क्यों ना हो, नोन लोग क्यों ना हो, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज दिलवा दो, जबकि वो हो सकती, पर मैंने कभी किसी से नहीं कहा. मैंने जो यहाँ तक मैं पहुंची हूँ अपनी मेहनत से पहुंची. मैंने एक एक चीज का डिजायर किया कि आई वॉन्ट दैट, कि मुझे ये चाहिए तो मतलब चाहिए. बहुत हार्ड वर्क करने के बाद मैं वो चीज ले लेती हूँ. बिग बॉस के लिए भी मैं 3 सीजन से जाने वाली थी, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं, लास्ट सीजन भी नहीं थी मैं प्रिपेयर. बट इस सीजन मुझे सबने मना किया था कि डोंट गो, अभी तुम छोड़ दो ये, बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे जाना है तो मतलब जाना. तो फाइनली मैंने ये किया और मैं काम को लेकर बहुत चूजी हूँ. काम मेरे पास बहुत आए हैं, लेकिन मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी और लोगों को पसंद आएगा. तो इसीलिए जो किया अपनी मेहनत से किया और बहुत हार्ड वर्क. तो क्या आपको स्टार्टिंग में रिजेक्शन फेस करने पड़े, कितना कितना स्ट्रगलिंग रहा, या आपकी जर्नी स्मूथ रही है? जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी करियर की, तब मुझे एक शो मिला था यारों का दर्शन, तब मैं बहुत छोटी थी, यूथ शो था वो. तो वो तो मुझे मिल गया, मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी लोग पसंद कर रहे थे. तो फिर उसके बाद जब वो शो खत्म हुआ, तो मुझे 2 शोज ऑफर हुए थे बड़े चैनल. तो वो दोनों, मतलब मेरे को लगा कि मैं कर सकती हूँ, कि मुझे करना है दिल से. तो वो मैंने किया, लेकिन मुझे 2 बार पता चला मैं रात को रिप्लेस हो गई, प्रोमो शूट करने के बाद भी सोचो. अच्छा, ओवरनाइट रिप्लेस हो गई. हाँ, सो वो जो टाइम होता है ना, वो हार्ड, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, आपको वो चीज मिल जाती है, आपकी फेवरेट चीज की, अब मैं ये करूंगी, अब वैसा ऐसा है कि अब घर वालों को बताऊंगी, देखो मैं ये कर रही हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी. पर रात को ही पता चलता आप रिप्लेस होंगे तो आपको बहुत बुरा लगता है. तो ऐसा मेरे साथ 2 शो में हुआ था. फिर 1 शो बहुत बड़े चैनल का था, वो मैंने खुद छोड़ दिया. ओ अच्छा. हाँ, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगा सेट बहुत दूर है और मैं नहीं जा सकती, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं छोटी भी थी. फिर उसके बाद चीजें होती गई. लेकिन जब आपको यू नो ओवरनाइट रिप्लेस किया होगा, तब आपको बुरा तो बहुत लगा होगा. मैं बहुत रोई थी, मैं अपने घर पे नहीं रो सकती थी. मुझे जैसे ही पता चला, मुझे मैसेज आया था, मैंने कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मैं नीचे आ गई, मैं पीछे गार्डन में जाके सिर्फ रो रही थी, लाइक ओ माय. पर कुछ अच्छा लिखा था तो वो स्ट्रगल हुए, लेकिन आप यहाँ पहुंचे. होता है अच्छे के लिए होता है, जो चीजें निकलती है आपकी लाइफ से, चाहे वो इंसान क्यों ना हो. अच्छा, पारस हमारा चैट देख रहे हैं, आप उनको हाय बोलना चाहोगे? हाय पारस. कुछ बदतमीजी लिखेगा वो पक्का. नहीं, अभी तो वो शायद उन्होंने हाय लिखा था, अब वो कमेंट ऊपर चला गया. अच्छा, अगर बात करें, आप जब घर के अंदर थी तो काफी सारे यू नो रूमर्स आए थे लिंकअप के, कि लोगों ने सामने आकर बोला कि वो आपको डेट कर रहे थे, ये वो ऐसा वैसा, उसका उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आपको? क्योंकि जब एक इंसान कामयाब होता है तो काफी सारे नाम जुड़ने लगते हैं. तो आप क्या कहना चाहोगे? बात का जवाब दे, जिन लोगों से मेरी जान नहीं पहचान नहीं, थोड़ा सा काम करना साथ में,
मुझे भी नहीं पता कि मैंने कब किसको डेट किया। सामने तो आती कभी ना कभी कोई चीज बेफालतू में। हाँ। चलो अभी कुछ बंदा बन रहा है तो नाम जोड़ लो, इसे कहते हैं पब्लिसिटी डेट। जैसा right. लगता है इंसान को एक बार खुद को देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद ये बात करनी चाहिए। हाँ, और मैं ऐसी कि कोई चीज है तो है, और जो चीज बेफालतू की थी मैं इसको देखती भी नहीं हूँ, इग्नोर करती हूँ। मुझे भी काफी सारी चीजें पता चले, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि लाइक सीरियसली अब तो वैसे भी नाम जुड़ेगा, आप खुद सोचो। राइट, तो वैसे ही जोड़ेंगे, अच्छा ये वो जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन और है, सोचना पड़ेगा, अगर हमारे लिए नच बलिए नहीं नच झलिए होगा तो मैं सोच नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि आप दोनों जो भी थोड़ी झलक हमने देखी थी फिनाले पे भी और उसके बीच में भी जब सलमान के बर्थडे के लिए परफॉर्म करना था, तो आप लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और आप लोग सिंक में भी थे। सो अगर नजबली ऑफर होता है तो विल यू एक्सेप्ट इट? पता नहीं पता नहीं अभी, लेट्स सी। ओके, ये हमने तो जवाब दे दिया स्ट्रगल्स का। मायरा, अगर बात करें आपकी बॉन्डिंग सिद्धार्थ के साथ, तो घर के अंदर वो काफी अच्छी थी, अगर वो सना के अलावा किसी और लड़की को मानते थे तो वो आप, अगर आप उदास होती थी तो वो आपके पास आते थे, कभी उनको मस्ती करनी होती थी, टांग खिंचाई करनी होती थी, लेग पुलिंग, तो वो आपके पास आते थे। आप किस तरीके की बॉन्डिंग है उनके साथ, क्या कभी बातचीत हो पाई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन पारस की बात हुई। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हाँ। मैं ऐसी हूँ कि मैं सामने से नहीं करती कभी किसी को मैसेज या तंग नहीं करती, तो पारस से बात हुई थी, तो मे बी लॉकडाउन के बाद डेफिनेटली हम लोग जरूर मिलेंगे, खत्म हो जाए नागिन का जो लेटेस्ट वाला सीजन था वो आपको ऑफर हुआ था बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, नागिन शो अच्छा है, मैंने अभी सपोर्ट किया था कि नागे बट मुझे ना अभी नेगेटिव नहीं करना है, मतलब कुछ अच्छा करना है, लाइक पॉजिटिव समथिंग, तो इसीलिए मैंने मना किया। पॉजिटिव रोल, काफी सारे फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, आप उनको हाय कहना चाहेंगे, उनसे एक बार हेलो कर दीजिए उन सबको आज काम है तो कल नहीं है, कल काम है तो परसों नहीं है, या फिर इकट्ठे बहुत काम है, ऐसे में एज एन एक्टर होना और इतनी कम उम्र में इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लेना, आप कैसे फिर अपने आप को ये समझाती हैं कि एक एक्टर के लिए टीवी पे या फिर किसी भी मीडियम में दिखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो आप एक वो बैलेंस कैसे बना के रखती हैं कि प्रोजेक्ट्स करना जरूरी है, एकदम से भी गायब होना सही नहीं है? मैं एक बात कहती हूँ कि मैं ना कभी शो ऑफ करने के लिए या मैं काम कर लूँ उसके लिए मैंने आज तक काम नहीं किया था। मैं बहुत मूडी हूँ और टच वर्ड के बैक टू बैक काम मिल जाता है, और अगर जिस दिन नहीं मिला उस दिन कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए कोई भी चीज करती हूँ, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं करती कि मैं ये कर रही हूँ। और जब तक आप खुद खुश हो ना, लाइक आप काम कर रहे हो फिर काम नहीं मिलेगा तो आप उसके लिए पागल हो जाओगे, नहीं कुछ करना है, लोगों को दिखाना है, घर नहीं बैठना है, वो नहीं करना है, सो उससे क्या होता है चीजें खराब होने लगती है। सो फ्लो के साथ जाना चाहिए, कुछ मिल रहा है तो करो, नहीं मिल रहा है तो, मैं वैसे भी थोड़ी घर की लाडली हूँ तो मेरे को इतना वो नहीं करती बॉदर, नहीं मिल रहा है तो घर पे बैठेंगे, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं साइड बिजनेस तो जरूर कोई ओपन करूंगी। हाँ। क्योंकि एक्टिंग मैं अपने मूड के लिए करती हूँ, लाइक अपने एक पैशन के लिए कर रही हूँ,
मुझे कुछ साइड बिजनेस भी मतलब मैं करूँ ही अपना डेफिनेटली फ्यूचर में, ताकि ये काम पैशन चलता रहे लेकिन बिजनेस भी हो जिससे यू नो एक बैकअप प्लान होगा. वो डेफिनेट अभी मैं अभी जस्ट शुरू किया है करियर, सो एक बार चीजें सेटल हो जाए तो डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लगता है कि होनी चाहिए. हर एक एक्टर की जरूर कोई साइड बिजनेस होना चाहिए ताकि आप कोई भी मसले में ना रहो, आपको टेंशन ना रहे किसी भी चीज की. आपके जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ किसको मानती हैं आप, और हु हैज बीन योर बिगेस्ट सपोर्टर इन योर लाइफ इन योर करियर? मॉम. एंड हाउ इम्पोर्टेंट रोल हैज शी प्लेड, अगर बात करें उनके बारे में? इम्पोर्टेंट रोल तो वो लीड है, मैं रोल प्ले कर रही हूँ, मतलब मैं सेकंड लीड हूँ, वो लीड है. उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट की है, और मतलब मेरे कपड़ों से लेकर, मेरी चीजों से लेकर, मेरी हर चीज से लेकर, अगर मैंने कोई चीज कही है कि मुझे ये चाहिए तो मेरी ख्वाहिश उसी टाइम पे पूरी हो जाती है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मेरी मॉम जैसी मिली, और उन्होंने मुझे बिग बॉस के बाहर भी बहुत सपोर्ट किया. तो हम एक बार गए थे बिग बॉस से पहले, एक इंटरव्यू था मेरा, तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मेरी मम्मी बड़ी सिंपल सी है, ज्यादा बात नहीं करती. तो मैंने कहा देखो अम्मा जब मैं अंदर जाऊंगी ना तो पीछे से मीडिया से बात बात करना आप. तो बोले कि हाँ ठीक है, तो मुझे लगा नहीं था वो करेंगे, लेकिन उन्होंने पीछे से मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे लग गया कि मेरे साथ कुछ होएगा ना तो मेरी अम्मी खड़ी है, मतलब मेरी अम्मा खड़ी है सामने फेस करने के लिए. तो अब जो हूँ यहाँ उन्हीं के बदौलत, तो मतलब कहाँ आती मैं जम्मू कश्मीर से यहाँ एक्टर बनने के लिए. जो एक्टर्स बाहर से आते हैं आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, उनके लिए कितनी कितना डिफिकल्ट या कितना इजी रहता है यहाँ पर काम मिलना, किस तरीके से जर्नी हो सकती है उनकी, क्योंकि काफी लोग एस्पायर करते हैं एक्टर बनना, वो आते हैं ड्रीम्स लेके कि वो यू नो ग्लैमर इंडस्ट्री में दिल मेक देयर नेम, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं फैमिली के साथ रही हूँ, जब मैं आई तो फैमिली ऑलरेडी आई थी, तो इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है. बट मैंने इसे सुना है और देखा भी है कहीं कि उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, घर भी संभालना, घर मतलब घर का देखना, फिर काम का देखना. लेकिन मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ, जिस चीज को आप बना लोगे ना कि ये डिजायर, ये चाहिए मतलब, तो फिर वो चीज होती है, फिर एक वो बनाना पड़ता है के अंदर कि ये चाहिए तो मतलब चाहिए. शहनाज के साथ कोई बातचीत हो पाई, कोई यू नो कभी मुलाकात हो पाई? शहनाज के साथ मैं मुझसे शादी करूंगी कि मतलब उस सेट पे मिली थी एक बार, फिर उसके बाद नहीं. तो वहीं पे जब मैं पारस को मिलने गई थी तब. ओके, तो अभी किस तरीके की बातचीत है आप दोनों के बीच में, हाय हेलो है एटलीस्ट? बोला ना अभी किसी से भी नहीं, सिद्धार्थ से भी नहीं है, जब लॉकडाउन नहीं, जब लास्ट मिले थे तब. हाँ, तब तो बहुत बातें की थी हमने, ऐसा कुछ नहीं है. जिनसे मैं कॉन्टेक्ट में सबसे ज्यादा हूँ उनके साथ अब किस तरीके की बॉन्डिंग है, क्योंकि घर से जब बाहर आए थे तो हमने देखा आप और वो मिले भी थे एक दूसरे को, आप लोगों ने साथ में एक अवार्ड फंक्शन भी अटेंड किया था, तो अब किस तरीके की बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी है, बात होती रहती है हमारी, रश्मि से मेरी फोन पे बात होती है और आरती से, अच्छी है उनके साथ. ओके, आपने रियलिटी शो कर लिया, फिक्शन शो कर लिया, अब आगे क्या एस्पायर करते हो, और कोई रियलिटी शो दैट यू वुड लव टू बी पार्ट ऑफ? मतलब चाहती तो हूँ करना खतरों के खिलाड़ी, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा है कुछ तो पता नहीं, क्योंकि बहुत डेंजर है वो शो. सो लेट्स सी. एक फैन का क्वेश्चन आया था कि योर फेवरेट बिग बॉस मेमोरी. मेरी दो तीन है, मेरे को बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन सबसे ज्यादा वो कि जब पारस वापस आया था वो, और जब बिग बॉस ने मुझे बर्थडे विश किया था वो, और जब मैं दंगल जीती थी और सलमान सर ने मुझे मेडल पहनाया था और ये कहा था कि ये बिग बॉस के सारे सीजन का बेस्ट दंगल है अभी तक का, तो
वो बड़ा प्राउड फील हुआ था कि यस आई एम फिजिकली स्ट्रांग. वो भी और जब मैं और पारस बाहिरा की जोड़ी जीती थी और अजय देवगन जी ने और काजल जी ने हमें यू नो क्राउन बनाया था कि देन क्राउन बनाया था. बहुत सारा प्यार दिया है और अब तक आपको जर्नी में सपोर्ट किया है. एनी मैसेज टू देम, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल देम बिफोर रैपिंग अप द चैट? मैं थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि अभी भी ऐसे ऐसे वीडियोस देखती हूँ ना, ऐसी ऐसी चीजें देखती हूँ कि कई लोग तो खुद वीडियो बना के भेजते हैं तो उनकी आंखों में और जो वो दिखता है ना, दैट एक प्यार, वो ऐसा लगता है मुझे कि यार मैं भी एक टाइम पे ऐसे किसी को आइडल मानती थी और किसी को देख के उनकी आंखों में वो दिखता है तो वो प्यार देख के अच्छा लगता है काफी कि हमें काफी सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम निकाल के हमारी चीजें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. अभी मैं रो पड़ूंगी, ज्यादा मत पूछो. No, okay, thank you so much for joining us and chat करके आपसे बहुत मजा आया and I hope fans ने भी enjoy किया होगा और आपने भी enjoy किया होगा. Yes, yes, a lot. Thank you so much. Thank you so much and take care. Bye. You too. Bye bye. Bye bye.